bismillah ar-rahman rahim ladies and gentlemen rise and shine inhale the beauty in exhale the ugly out so we are going to start the lesson which is about the entrepreneurship and small business management the first thing comes in our mind when we uh, i mean focus on the word entrepreneurship and there is a difference between the small business management is there any big difference is are they two different things to understand let's try to figure it out so is that the opportunity to for the small business management or this is the different kind of innovation which is not relevant to the business or the small business management gives you profit or entrepreneurship gives you a what uh, a name a initiative or attitude or a behavior or making the society or the developing different nature of society. So, what small business management cannot offer, what entrepreneur is offering. So, to understand this difference, let's try to figure it out in the different way. Here is the module 164, which is an introduction to the entrepreneurship in the small business management. So traditionally, it is the process of designing launching and running a new business well how we can understand i mean it is just the small business such as startup company offering a product might be they are offering you the process or service for the scale or for the sale of the hire or to hire the scale of economies under the economies of scale मार्जिनल इकोनॉमीज और किस तरीके से आपने कितने स्केल के ऊपर उसका बिजनेस करना है पॉइंट ये है कि इसको आंटरप्रन्य को बिजनेस मैनेजमेंट से अलग जब अलग करने की हम समझते हैं तो उसके पॉइंट सिर्फ इतने से हैं कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस है बिजनेस इज टू जस्ट द प्रॉफिट मेकिंग इट इज द बिजनेस विच इज बी देयर एंड आंटरप्रन्योरशिप इज थिंक एंड ग्रो थिंक एंड ग्रो अच्छा अब इस एक चीज को आपने रखना है जहन में और थिंक ग्रो को एक तरफ कर दीजिए और बिजनेस को समझ लीजिए प्रॉफिट एनी थिंग विच इज अवेलेबल और बींग अवेलेबल इन दोसाइटी तो आपने उसको बिजनेस में लिया है प्रॉफिट मेकिंग की अब यहां पर में जो है वो आपकी मुख्तलिफ तर्स की चीजें हो सकती हैं आपने एक नई इनोवेशन करनी है जिसका मोटिव प्रॉफिट ही नहीं होता आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता लेकिन उसको दोबारा से चेंज किया जा रहा था हम इसकी थोड़ी तारीख पे दोबारा से आएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बयान कर चुका हमने थेरी इसको समझा अब कंडेंस करते हुए आते हैं, तो वर्ड फ्रॉम फ्रेंच। आंते इम्प्लईज क्वालि ऑफ लीडरशिप वन इनिशियटिव एंड इनोवेशन अच्छा अब ये तीन चीजें जब आती हैं तो आपको बिजनेस स्मॉल बिजनेस सेटअप में नहीं समझ में आती ना आप उसमें इनोवेशन कर रहे होते हैं आप सिर्फ माल ले रहे होते हैं माल को दे रहे होते हैं आपको सिर्फ रिजल्ट क्या होता है आपको प्रॉफिट देना है आपको वो कितनी रिटेंशन देता है क्या एक ही इम्प्लॉय हमेशा के लिए आपके पास रहता है या आपने उसके अंदर कोई जिद्दत तराजी करनी है या आपने उसके अंदर कोई आ, प्रोसेस इनोवेशन लेकर आनी है या आप उसके अंदर कुछ और बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं या क्या आप ऐसे इनोवेशन लाते हैं उसका काम बिजनेस सेटअप से नहीं होता बट वट आंटरप्रन ऑफर यू लीडरशिप इनिशियटिव इनोवेशन इन द न्यू वेंचर डिजाइन एनी वेंचर डिजाइन अब आप वेंचर की बात मुझसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भाई स्पेस एक नया वेंचर टेस्ला एक नया वेंचर आप, दुनिया जो है वो डिजिटल स्पेस के ऊपर गूगल अर्थ और मैप के ऊपर गाड़ी जो है वो ऑटोमेटेडली चल रही हो अच्छा इसका डिजाइन कहाँ से आया ए ने कहाँ से डिजाइन लिया उसने कहा कि जब जमाने में तारीखी तौर पर जब घोड़ा है तो वो सेंस कर लेता था अच्छा जितने रिश्तेदार होते थे उनके घर खुद ही चला जाता था कोई चीज़ लाने ले जाने के लिए आप उसके ऊपर होल्ड कर देते थे वो जाके वह रखाता था और ले आता था उसको ये भी पता था कि घर के कितने अफराद हैं और फिर उसके अंदर जो सेंसर्स और सेंसिंग ऑर्गन uh, हैं उसके वो ये तलाश कर लेते थे ख़तरा कहाँ है और फिर उसको बताने की ज़रूरत हरगज नहीं पड़ती थी कि फलां डेस्टिनेशन पे जहां पे वो जा चुका है ऑलरेडी वहां अगर दोबारा वो जा रहा है तो उसे सवार से पूछने की ज़रूरत नहीं थी सो दिस इज़ हाउ बट ऑपरेटिंग ऑफ बीस ऑफकोर्स उसके स्टेयरिंग उसके हाथ में ही होते थे लगाम जिसको आप कहते हैं तो यहां से जब देखा तो घोड़े से आइडिया कार का आया था और वो अपने बहुत मनतकी जाम की तरफ जाते जाते आपको अब करीब तरीन शक्ल जो दे रही है वो टेस्ला की दे रही है आई रेफर यूट्यूब और आप जाके देखिए कि किस तरीके से वो परफॉर्म करता है बिहेव करता है टेस्ला कैसे चलती है टेस्ला कैसे अम्यूजमेंट देती है पीछे फायर का किस तरह सिस्टम चलता है उसका एयर कंडीशनिंग कैसे होती है वो चीजें सेंसस करता है ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कैसे आ जाता है और फिर वो फ्यूल के लिए किस तरह आपको बताता है और वो गाड़ी जो है वो आपके साथ इट इज इन इन कन्वर्सेशन विद यू अच्छा एक गाड़ी इन कन्वर्सेशन विद यू ये कैसे हो सकता है भाई ये तो अगली अगली दुनिया की चीज आ गई इसी तरीके से इसने यहां से एक गाड़ियों की दुनिया के अंदर कहां बात शुरू हुई थी रोल्स राइस से शुरू हुई और कहां पर खत्म होती है जी टेस्ला और टेस्ला के बाद अब उड़ने वाली गाड़ियां अलग से आएंगी स्पेस की कार्स अलग आएंगी रूट्स डिफरेंट होने वाले हैं दुनिया तब्दील हो जाएगी और ये एक नया वक्त आपके सामने आएगा अच्छा इसके बारे में एक इकोनॉमिस्ट एक जो हैं वो रॉबर्ट रीश जो हैं वो इस बारे में कह चुके हैं कि इट इज अबाउट द लीडरशिप तो एलोन मस्क को आपने देख लिया इट इज अबाउट द इनिशिएटिव तो आपने बिल गेट्स को देख लिया सो इट इज अबाउट द इनोवेशन

इसी तरीके से जेफ बिजॉस का अगर उसका सेवन पॉइंट समथिंग पे जा रहा है तो दोनों कॉम्पिटिशन तो नहीं है लेकिन स्पेस में वो भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है कंपेटिटर तो हो गए लेकिन उससे पहले कितने गुजरे हैं उसका नाम आपको नहीं पता होगा लेकिन जब आप उस रिसर्च में जाएंगे तो काफी कुछ निकल आएगा एंड मूव ऑन ट्रेडिशनली एन एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिफाइंड एज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस एनी एंटरप्राइज स्पेशली अ बिजनेस विद इनिशिएटिव एंड रिस्क द लास्ट थिंग इज रिस्क टेकिंग आंटरप्रोरियल स्पिरिट इज कंप्लीट कंफाइंड करेक्टरिस्टिकेटेड रिस्क मिटिगेटेड रिस्क यह होता है कि इससे पहले जितनी भी स्पेस में जाने की कोशिश हुई सब फेल हो रही थी एलोन मस दो दफा फेल हुआ तीसरे में कामयाब हुआ बिकॉज ही कम अप विद द आइडिया ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ हमको इसलिए जाना है कि अगर अब हम पाकिस्तान के वेंचर्स की तरफ देखते हैं कि जिन लोगों की बात आप जिन लोगों की एक्टिविटी की मैं बात करने वाला हूँ मैं इसलिए करने वाला हूँ कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि झटका सिस्टम है झटके से आपको क्या आएगा मतलब एक रेडी लगा ली फलां ले ली ऐसा नहीं होता रजाक दाऊद साहब की बात करेंगे क्योंकि डेस्कॉन को आप माइनस नहीं कर सकते अब वो कौन से थे वो डेरिंग और विजनरी डेरिंग प्लस विजनरी होना जरूरी है कैलकुलेटेड थे इंजीनियर थे बिजनेस फैमिली थी ओके वन प्लस प्लस फिर plus के pluses मिलाने पड़ते देन ही डिड व्हाट दो लोग थे एक सईद बाबर अली और एक ये इन्होंने मिलकर वहां पर हार्वर्ड का अंदर एक कोर्स किया बिजनेस का और फिर कैपेसिटी को देखा कि पाकिस्तान में जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें बाहर से लोग लेकर आना पड़ेगा वाई नॉट वी कैन डिवेलप दिटी ओवर हेयर और हम अपना जो है वो इनपुट करें और यहाँ से लोकल ऐसे डिज़ाइन करें जो हमें बाहर से मंगवाने ना पड़े हमें अकाउंटेंट्स ना मंगवाने पड़े हमें सी एस ना मंगवाने पड़े हमें ए सी सी एस ना मंगवाने पड़े हमें एम बी एस ना मंगवाने पड़े तो हमें इंजीनियर्स की डिमांड जब आएगी तो हम यहाँ पर ही एक इंस्टीट्यूट करते हैं जो नर्सरी बन जाएगी हमारे एम्प्लॉयज़ की या हमारे यहाँ पर जो है जो यहाँ पर काम करेंगे उन लोगों की डिवेलपमेंट की इसी तरीके से आप देखें तो फिलंट्राफिस के अंदर एक आइडिया आया अब्दुल सत्तार, the great अब्दुल सत्तार, एडी, the richest poor man, the richest poor man, उनको कहा जाता है और सही लकब दिया गया, is the one biggest philanthropist, his passion for the humanity grew into the Pakistan biggest charitable organizations. ये वो थे जिन्होंने कहा कि हिटी के अंदर जब हुआ तो हमने बोला था कि दस लाख डॉलर हमसे ले लो हमारे पास बहुत है, so this is not about कि आप अमेरिका को फंड नहीं दे सकते कि आप अमेरिका के लिए फंड uh, रेजिंग नहीं कर सकते जगर बड़ा होना चाहिए ये जरूरी है देन इज द मोनस रहमान ओनर ऑफ rozi.com ये एग्जाम्पल देना जरूरी था रेवोलुशनाइज्ड द जॉब मार्केट इन पाकिस्तान थ्रू हिज इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने देखा है जी बहुत से और भी बिजनेसेस आए जॉब सीकिंग की तरफ लेकिन जो डिलीवरेबल्स rozi.com ने दिए वो बेहतरीन थे सिर्फ वेबसाइट बना देना या एक डेटाबेस खड़ा कर देना नहीं होता मैंने ये देखा है कि बहुत अभी मैंने रिसेंट टाइम के अंदर एक और इससे रेलिवेंट चीज को फ्लॉप होते देखा है दस डायरेक्टर्स उसके तब्दील हो चुके लेकिन वो फ्लॉप हो रही उस बिहाइंड द स्क्रीन जो विजन है वो क्लियर नहीं है जब वो ब्लैबरिंग करेगा ब्लैबरिंग करेगा अम, उसके विजन के अंदर ब्लारनेस होगी कभी भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता

here the entrepreneur are subjected to fast business expansion type, a small business owner's primary motive is to make profit but the condensed point is profit and moving on the primary motive of an entrepreneur entrepreneur is to introduce a unique product or service to the market he always flash down the curtain this is what the relationship or the difference between the small scale business and the entrepreneur. Thank you very much.